नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक बॉटनी की। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आज का टॉपिक जो है वो है इकोनॉमिक बॉटनी। हम देखते हैं इकोनॉमिक बॉटनी में हम कौन कौन से प्लांट लेते हैं, कौन कौन से प्लांट्स आते हैं वो हम बात करते हैं। देखो, इकोनॉमिक बॉटनी में सबसे पहले हम ले लेते हैं वो प्लांट जिनसे हमें फाइबर प्राप्त होते हैं। क्या ऑप्टेंट होते हैं? फाइबर प्लांट। मतलब हम ले रहे हैं सबसे पहले वो पौधों की बात कर रहे हैं जिनसे हमें क्या मिलते हैं, फाइबर मिलते हैं, रेशे मिलते हैं, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइबर यील्डिंग प्लांट ले लेते हैं कि फाइबर हमको कौन कौन से पौधों से मिलते हैं। तो वो सबसे पहला हम बात करते हैं, पहला फाइबरस प्लांट है जिसका नाम है कॉटन। कॉटन जो है एक फाइबरस प्लांट है। कॉटन, कॉटन को हिंदी में बोलते हैं कपास। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है? तो और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहला जो है वो है कपास, कॉटन। एक फाइब्रस प्लांट है। क्या है? सबसे पहला है कपास यानी कॉटन। ये आता है फैमिली मालवेसी में। काय में आता है? मालवेसी। एक फैमिली है जिसका नाम है मालवेसी, ठीक है? मालवेसी में आता है, कॉटन है, कपास है, जो आता है सबसे पहले एक फैमिली जिसका नाम है मालवेसी में। अब एक कॉटन जो है, इसके क्वेश्चन पूछे आते हैं कि पहली बात तो एक फाइबरस प्लांट का नाम बताओ, तो अपन ने कॉटन कर दिया। दूसरा पूछा जाता है कॉटन कौन सी फैमिली में आता है, तो अपन ने कह दिया मालवेसी फैमिली में। अब कई बार एक आता है कि कॉटन से जो फाइबर मिलते हैं वो क्या है। हम आपको बताएं, कॉटन के जो फाइबर हैं वो सीड फाइबर हैं। ऐसा सीड होता है, कॉटन क्या होता है? ऐसा सीड होता है। और इसके ऊपर ऐसे क्या पाए जाते हैं? हेयर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हेयर पाए जाते हैं, ठीक है? ऐसे हेयर होते हैं और इनको हेयर को बोलते हैं सरफेस हेयर। क्या है? सरफेस हेयर है। तो ये इपिडर्मल हेयर होते हैं। ये क्या होते हैं? सरफेस हेयर है। ये सरफेस फाइबर है। कैसे फाइबर है? सरफेस फाइबर। यदि कॉटन की बात करें तो कॉटन का फाइबर एक सरफेस फाइबर है। और इस सरफेस फाइबर भी मतलब किससे बनता है, अगर अपन कहा जाए तो ये बनता है मेनली इपीडर्मिस से। कैसे बनता है? इपीडर्मिस से। इसीलिए हम इसको इपीडर्मल हेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इपीडर्मल हेयर कहते हैं, ठीक है? तो ये कैसे बनता है? तो इसको कहा जाता है इपिडर्मल हेयर या सरफेस फाइबर, ठीक है? अब यदि हम बात करें तो आपको समझ में आ रही कि पहला क्या है। अपन कहते हैं कि कॉटन फाइबर, कॉटन कहाँ से मिलता है? तो कॉटन है मालवेसी फैमिली से। कॉटन के जो फाइबर है वो कहलाते हैं सरफेस फाइबर। ये इसका सीड है। यदि अपन कहें तो ये सीड है। सीड के जो हेयर निकलते हैं उनको बोलते हैं सीड हेयर। इनसे मिलता है सीड हेयर को, इन्हीं को क्या कहा जाता है? सरफेस हेयर। तो यदि कोई कहे कि कॉटन किससे प्राप्त होता है, तो कॉटन प्राप्त होता है सीड के हेयर से। ये जो है ना, ये क्या है? सीड हेयर। क्या है? सीड हेयर है। और चूंकि ये सरफेस पर होते हैं इसलिए ना सरफेस फाइबर भी कहते हैं, ठीक है? इन्हें हम एक और नाम देते हैं, चूंकि इपिडर्मिस से बनते हैं इसीलिए हमें इपिडर्मल हेयर भी कहते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, कॉटन का जो वैज्ञानिक नाम है वो है गॉसिपियम हर्बेसियम। इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है वो है मेनली किसका? कॉटन का। गॉसिपियम। गॉसिपियम क्या नाम है इसका वैज्ञानिक नाम? गॉसिपियम हर्बेसियम। हर्बेसियम, गॉसिपियम हर्बेसियम इसका वैज्ञानिक नाम है। किसका? कॉटन का, ठीक है? यह है गॉसिपियम हर्बेसियम या गॉसिपियम अर्बोरियम भी है। इसको हम गॉसिपियम अर्बोरियम भी कहते हैं। गॉसिपियम हर्बेसियम या गॉसिपियम अर्बोरियम इसका वैज्ञानिक नाम है। हम आपको एक और बात बताएं, ये जो हेयर होते हैं मेनली अगर देखा जाए तो जो इसके ऊपर हेयर पाए जाते हैं, किसके ऊपर? कॉटन फाइबर के ऊपर। ये जो है ना, इसके हेयर जो है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है? इसके सीड हेयर जो है ना वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जिनको हम बोलते हैं जो एक्सट्रैक्टेबल होते हैं उनको कहा जाता है लिंट, और जो नॉन एक्सट्रैक्टेबल होते हैं उनको कहा जाता है फुज, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? एक को कहते हैं लिंट और दूसरे को कहते हैं
खोज, इसमें जो कॉटन फाइबर है उसमें दो प्रकार के होते हैं कॉटन फाइबर, एक को लिंट कहते हैं और दूसरे को हम कहते हैं फूज। क्या कहते हैं? एक को लिंट कहा जाता है और दूसरे को फूज कहा जाता है। कॉटन फाइबर जो है उनको एक को लिंट और दूसरे को फूज कहते हैं। एक बार और कई बार ये पूछा जाता है कि कॉटन फाइबर में सबसे ज्यादा जो है क्या पाया जाता है, तो यदि अपन देखें देखें ठीक है, तो क्लियर समझ में आ रही? तो कॉटन फाइबर में सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है सेल्यूलोस। क्या होता है? सेल्यूलोस पाया जाता है कॉटन फाइबर में, सबसे ज्यादा पाया जाता है सेल्यूलोस। और ये सेल्यूलोस जो होता है इसमें, ठीक है, ये मेनली सेल्यूलोस के बने होते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि ये 90% तक सेल्यूलोस इसमें पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 90% सेल्यूलोस पाया जाता है। अब आपको पता ही है कि काय काय के बनाने में काम आ जाते हैं ये, मेनली अगर देखा जाए तो टेक्सटाइल, आपको पता है कपड़ा जो बनता है कपड़े उद्योग में, ठीक है, सेलोफेन, सेलोफेन अगर अपन कहें तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, टेक्सटाइल्स में, सेलोफेन में, सेलोफेन आप जानते हैं, ठीक है, सेलोफेन बनाने में यूज होता है इसका, ठीक है, टेक्सटाइल में यूज होता है, सेलोफेन में यूज होता है, रेयन, रेयन भी इसका एक प्रोडक्ट है, उसमें यूज होता है, रेयन में यूज होता है, ठीक है। और यदि देखा जाए तो इसका यूज जो है वो मेनली अगर कहें तो जो पल्प वगैरह होता है, पेपर पल्प जो है उसमें भी इसका यूज होता है। अब कॉटन जो है, पहली बात अगर कॉटन देखा जाए तो कॉटन की खेती कहाँ होती है? आप सभी जानते हो कपास की खेती अगर देखा जाए तो भारत में, वैसे कपास की खेती के लिए जानी जाती है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए आइडियल होती है, ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल में भी अगर देखा जाए तो जो लावा मिट्टी है, अगर अपन कहें जैसे पश्चिमी मध्य प्रदेश, कुछ गुजरात और कुछ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का कुछ भाग, कुछ गुजरात का भाग, कुछ पश्चिमी मध्य प्रदेश जैसे इंदौर, ठीक है, अगर अपन कहें निमाड़ वाला भाग, निमाड़, खंडवा, खरगोन, फिर आपका वहां से लगा महाराष्ट्र का भाग और फिर गुजरात का भाग, तो ये जहां पर है यदि अपन देखें कहां पर अगर इसकी खेती की बात करें तो इसकी खेती जो है वो इस तरह से अगर अपन देखें, ये मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश है, अगर अपन इस तरफ से देखें, इस तरह से मध्य प्रदेश है, तो ये वाला भाग, ये वाला भाग यहां पर अगर अपन देखें तो ये इतना भाग, ठीक है, यहां से लगा हुआ है गुजरात, तो यहां पर गुजरात का कुछ भाग, ठीक है, और यहां से लगा हुआ है अगर अपन थोड़ा सा नीचे से ले लें इसको, ठीक है, यहां से लगा हुआ है महाराष्ट्र, ठीक है, तो महाराष्ट्र का कुछ भाग, इतना वाला भाग जो है यहां पर कॉटन ज्यादा होता है। बस ये अपन कहें कि ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है, ये गुजरात है, ठीक है, और एक मध्य प्रदेश है, एमपी है, तो एमपी का इंदौर, धार, झाबुआ, निमाड़, पश्चिमी निमाड़, पूर्वी निमाड़, खंडवा, खरगोन, ये वाला इलाका जो है, गुजरात का कुछ इलाका, कुछ महाराष्ट्र का इलाका, यहाँ ब्लैक सॉइल पाई जाती है, तो काली मिट्टी में इसकी खेती ज्यादा होती है। काली मिट्टी सबसे ज्यादा बेस्ट होती है काई के लिए, कपास की खेती के लिए। और कपास जो है एक खरीफ की फसल है। कैसी फसल है? खरीफ क्रॉप है, ठीक है। अगर अपन देखा जाए तो भारत में टोटल बर्ड का जो आउटपुट है, बर्ड का जो आउटपुट है टोटल, वो लगभग 10% कॉटन जो है वो भारत में होता है बर्ड के टोटल उसके। अब संख्या थोड़ी घट बढ़ सकती है कभी कभार, लेकिन जनरली क्या है, 10% जो है वो इंडिया कल्टीवेट करता है, इंडिया प्रोड्यूस करता है, तो टोटल वर्ल्ड कॉटन का, जितना वर्ल्ड का आउटपुट है, जितना वर्ल्ड का कॉटन होता है, उसका 10% कौन करता है? इंडिया प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यदि हम बात करें इसकी, किसकी, कॉटन की, ठीक है, तो अगर अब अपन देखते हैं तो ये तो हो गई कॉटन की बात। अब बात आती है दूसरा फाइबर, दूसरा फाइबर, तो पहला फाइबर लिख लिया, पहला फाइबर कौन सा है? कॉटन। दूसरा फाइबर देखा जाए तो दूसरा फाइबर है जूट, ठीक है, जूट। जूट जो है इसको अपन जूटी कहते हैं। जूट का यूज क्या होता है? जूट कौन सी फैमिली में आता है? जूट की एक जो फैमिली है वो है टीलिएसी। कौन सी फैमिली है? टीलिएसी। जूट आता है टीलिएसी फैमिली में, ठीक है, और टीलिएसी फैमिली जूट जो है वो मिलता है मेनली फ्लोयम फाइबर से। किससे? फ्लोयम फाइबर से। अब मैं आपको बताता हूं फ्लोयम फाइबर, या इसी को बोलते हैं बास्ट फाइबर। कैसे मिलता है? बास्ट फाइबर से मिलता है। जूट जो है वो मिलता है फ्लोयम फाइबर से या
बास्ट फाइबर से। इसका जो फ्लोएम फाइबर तो आप जानते हो, मैं आपको बताऊं कि जनरली जूट के जो फाइबर प्राप्त करते हैं उस क्रिया को कहा जाता है रेटिंग। क्या कहा जाता है? रेटिंग, रेटिंग ऑफ फाइबर, इसको बोलते हैं हम रेटिंग ऑफ फाइबर। जूट को लेने की प्रक्रिया को कहा जाता है रेटिंग ऑफ फाइबर। अब देखो जूट मिलता कैसे है, जूट का वैज्ञानिक नाम क्या है। जूट जो है वो स्टेम से मिलता है जनरली। वो अपन ने कहा, देखो अभी अपन ने कॉटन कहा था, तो कॉटन कहाँ से मिलता है? कॉटन मिलता है सीड हेयर से। सरफेस फाइबर है मतलब वो बीज के ऊपर से मिलता है, बीज के ऊपर हेयर पाया जाता है उससे मिलता है। ध्यान रखना कॉटन सीड हेयर से मिलता है, बीज के बालों से मिलता है, बीज के ऊपर हेयर पाए जाते हैं। जबकि जूट जो है वो स्टेम से मिलता है। कैसा? ऐसा ये लंबा स्टेम है, इसके अंदर जो है इससे मिलता है। इसके अंदर होते हैं, आपको पता है स्टेम के अंदर है जाइलम और फ्लोएम। क्या है जाइलम और फ्लोएम? और जाइलम में भी चार चीजें होती है और फ्लोएम में भी चार चीजें होती है, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम कंपेनियन सेल, फ्लोएम सीप ट्यूब सेल और फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो जो फ्लोएम फाइबर है, फ्लोएम का अंदर का जो फाइबर है, ऐसा जो फाइबर है यही कहलाता है जूट। यानी जूट जो मिलता है वो हमको स्टेम से मिलता है, और स्टेम में भी किससे? फ्लोएम फाइबर से। किससे मिलता है? फ्लोएम फाइबर से, ठीक है। और फ्लोएम फाइबर को ही कहते हैं हम बास्ट फाइबर। जूट का जो साइंटिफिक नाम है वो है कॉर्कोरस कैप्सुलरिस। जूट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कॉर्कोरस कैप्सुलरिस। जूट का वैज्ञानिक नाम है कॉर्कोरस कैप्सुलरिस। अब आपको एक और बात बता दें, जूट का जो वैज्ञानिक नाम है कॉर्कोरस कैप्सुलरिस, ठीक है, ये जो है जूट जो है एक सबसे ज्यादा जूट का जो कल्टीवेशन होता है वो होता है मेनली वेस्ट बंगाल में। कहां पर होता है? वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल में होता है। यदि देखा जाए तो जूट जो है इससे आपको पता ही है क्या बनते हैं, इससे बनाए जाते हैं थैले वगैरह जो होते हैं, थैले बैग्स, बैग्स जो होते हैं अनाज रखने के, वो बैग्स बनते हैं किससे? जूट से। तो ये मेनली वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, बांग्लादेश में भी सबसे ज्यादा जूट का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो जूट जो है कहां से मिलता है? अब आपको पता है रेटिंग ऑफ फाइबर किसे कहते हैं, इसमें क्या कहा करक किया जाता है? पहले हम क्या करते हैं, रेटिंग ऑफ फाइबर बैक्टीरिया की मदद से किया जाता है। बैक्टीरिया इसमें हेल्प करते हैं, किसमें? रेटिंग ऑफ फाइबर। ये जब हम बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो हम बताएंगे भी कि रेटिंग ऑफ फाइबर कैसे होता है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे जूट के, जूट की खेती होती है, जूट के तनों को ऐसा काट करके बंडल बना दिया जाता है इनको, और इन बंडल को पानी में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। इनको पानी में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब पानी में सड़ने के लिए छोड़ते हैं तो इनके ऊपर का जो, इसके ऊपर जैसे अपन ने कहा ये जूट का एक स्टेम है, तो इसके ऊपर की टिश्यू जो है इपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, ये सब खत्म हो जाती हैं, और बीच का जो फाइबर होता है फ्लोएम फाइबर वो उसको पीट पीट करके, कूट करके, अपन कहें लकड़ी से या डंडे से कूट करके इन टिश्यूज को अलग कर दिया जाता है और इस फ्लोएम फाइबर को निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम रेटिंग ऑफ फाइबर। रेटिंग ऑफ फाइबर जो है वो मेनली देखा जाए तो बैक्टीरिया की मदद से किया जाता है, ठीक है। तो दो पौधे हो गए, पहला हो गया कॉटन, दूसरा हो गया, पहला हो गया कॉटन, दूसरा हो गया जूट, तीसरा, तो कॉटन कौन सी फैमिली का? मालवेसी फैमिली का। जूट कौन सी फैमिली का? टीलिएसी फैमिली का। तीसरा जो है वो है कॉइल। कॉइल, कॉइल कहा जाता है मेनली नारियल के रेशे को। किसको कहा जाता है? नारियल के रेशे को कहा जाता है कॉइल। कॉइल क्या होता है देखो हम आपको बताएं, कॉइल जो होता है मेनली अगर देखा जाए तो कॉइल जो है जैसे नारियल है, तो नारियल आपने देखा होगा ये मेनली कोकोनट है। कॉइल जो मिलता है वो किससे निकलता है? कोकोनट का है। किससे मिलता है? कोकोनट है, ठीक है। और कोकोनट का वैज्ञानिक नाम अगर देखा जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम है कोकोस न्यूसीफेरा। कोकोस न्यूसीफेरा किसका वैज्ञानिक नाम है? कोकोनट का। कोकोनट का वैज्ञानिक नाम है कोकोस न्यूसीफेरा, ठीक है। और ये जो मिलता है जो कॉइल है, जो नारियल का रेशा है, उसको कॉइल कहा जाता है। ये कोकोनट, ये वैज्ञानिक नाम कोकोस न्यूसीफेरा। और इसकी फैमिली जो होती है वो है पामी। कौन सी फैमिली है? पामी फैमिली है। कौन सी फैमिली इसको कहा जाता है? पामी फैमिली होती है। अब पामी जो फैमिली है, ठीक है, पामी जो फैमिली है इसमें क्या होता है, जो नारियल होता है वो कैसे होता है? नारियल सबने देखा होगा, पहले नारियल का पानी पिया होगा और खुला नारियल भी देखा होगा सभी। जो नारियल का पानी होता है देखो, इसमें तीन लेयर होती है। सबसे ऊपर होती है एक हरे रंग की लेयर होती है, ठीक है,
या अपन भीतर से चलते हैं, सबसे पहले इसमें हार्ड होती है, ऐसी हार्ड लेयर होती है, ठीक है, ऐसी हार्ड लेयर इसके ऊपर पाई जाती है, ये हार्ड लेयर है। फिर इसके ऊपर क्या होता है, ऐसी हार्ड लेयर होती है और इसके अंदर नारियल भरा होता है, नारियल का पानी भरा होता है और नारियल लगा होता है, ये हार्ड लेयर है और इसके अंदर मान लो ये है नारियल, क्या भरा है, नारियल भरा है, ठीक है, नारियल है जिसको अपन खाते हैं, गिरी कहते हैं जिसको अपन, और ये इसके अंदर पानी भरा है, ये हार्ड हो गई। उसके बाद यहाँ पर पाए जाते हैं इसमें फाइबर, ऐसे जो आप नारियल खरीदने जाते हो इस तरह का नारियल होता है, एक हार्ड लेयर हो गई, फिर ये ऐसी हो गई, ठीक है, और आप लोगों ने कभी नारियल का पानी भी पिया होगा, ठीक है, तो नारियल के पानी के ऊपर एक और लेयर होती है, इसमें ऐसी नारियल के पानी में एक और लेयर होती है, हरे रंग की होती है, ये हरे रंग की होती है, ठीक है। इन तीन के अलग अलग नाम है, इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है यदि देखा जाए तो कहा जाता है इपिकार्प, इसको क्या कहा जाता है, इपिकार्प, ठीक है, ये है इपिकार्प, ठीक है, ये है मीजोकार्प, जो फाइबर की बनी होती है, जो आपने नारियल अपन चढ़ाते हैं वो है मीजोकार्प, क्या है, मीजोकार्प। और ये जो हार्ड देख रहे हो ये होती है एंडोकार्प, क्या होती है, एंडोकार्प, यानी तीन लेयर होती हैं, इपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प, और तीनों को मिला करके बोलते हैं पेरिकार्प, पेरिकार्प मतलब फल भित्ति, क्या कहा जाता है, पेरिकार्प, इपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, और तीनों को मिलाकर बोलते हैं पेरिकार्प। और ये जो है इसके अंदर क्या भरा होता है, नारियल पानी भरा होता है, ठीक है, ये क्या भरा होता है, पानी भरा होता है। और ये जो है यदि अपन देखें तो हम जो खाते हैं, जो नारियल खाते हैं वो एक्चुअल में पूछा जाए तो नारियल का जो पार्ट खाते हैं वो एंडोस्पर्म है, क्या है, एंडोस्पर्म है। अब हमसे कहा कि कॉइल किससे प्राप्त होता है, तो कॉइल प्राप्त होता है मीजोकार्प से, किससे प्राप्त होता है, मीजोकार्प से, यानी मध्य फल भित्ति से प्राप्त होता है, क्या, कॉइल। तो तीन अपन ने देख लिए, तो कॉइल हो गया, पहला हो गया अपन ने कपास देखा, दूसरा अपन ने जूट देखा, तीसरा कॉइल देखा, क्या देखा, कॉइल देखा। कॉइल किससे मिलता है, देखो यदि देखा जाए तो कपास सरफेस एयर से मिलता है, जूट जो है वो बास्ट फाइबर या फ्लोएम फाइबर से मिलता है, कॉइल जो है वो फल की मीजोकार्प से मिलता है, ठीक है। हम अब चौथा देखेंगे अगले वीडियो में, तो आप अगले वीडियो का इंतजार करें, मैं नेक्स्ट जो है चार चौथे नंबर का फाइबर अगले वीडियो में बताता है। धन्यवाद, यदि आपको वीडियो समझ में आया हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।